गुगु के हाथ आ चुके हैं, अभी उसके पैरों का प्रिंट निकाल के देखते हैं। तो चलिए। हेलो गाइस, वेलकम टू डेज ब्लॉग। आज 23 मार्च, आज घर पे थे तो सोचा क्या हम प्रोडक्टिव किया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सारा शॉप्स वगैरह सारा कर्फ्यू लगा हुआ है, तो कहीं जा नहीं सकते, तो घर पे बैठ के क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम बनाने जा रहे हैं परी के हाथ और पैरों के इम्प्रेशंस, तो वो बनाएंगे आज। तो उसका प्रोसेस चलिए देखते हैं किस तरह का होगा। मैडम जी भिगो रहे हैं आटा, पहले मैंने भिगोया, वो तो गोई बन गई, फिर मैंने कहा मैडम जी आप ही भिगो दो, मेरे को तो आया नहीं, पहले वो एकदम से पतला हो गया, अभी मैडम ने परफेक्ट भिगो के दिया आटा। तो अभी लेते हैं गुगू के पैरों के और हाथों के निशान। तो चलिए, गुगू के पैरों पे लगा रहे हैं ऑयल ताकि वो इस पे चिपके ना, तो दोनों पैरों पे लगाता हूँ इसके मैं थोड़ा सा ऑयल। एक पैर पहले, एक पैर हट जा, दबा दे गुगी, जय माता जी, उठा लो दूसरा भी, जय माता जी, आ हा हा, चौदो आगे। ये देखिए गुगू के पैरों के निशान आ चुके हैं, अभी इसी तरह इसके लेंगे हाथों के निशान। दे भाई हाथ प्रिंट दे दे, कैसे लू आती नहीं खोलती, इसको सही तो लेटाओ पहले। ये आगे गुगु के हाथों के निशान। तो चलिए अभी करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, इनको अभी थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ते हैं, फिर इस पे भरेंगे पीओपी। चलिए साइडों पे बना दी है बाउंड्री ताकि पीओपी है जो वो बिखरे ना, तो इसमें अब भरेंगे पीओपी। ये देखिए जी, हमारी गुगु जनता कर्फ्यू के दिन अपनी बगियों में सारे सारे कर रही है, खेली खेली कर रही है। हाँ गुगु, पानी ज्यादा पड़ गया और पीओपी डाल दो। गाइज इस समय में एक दूसरे का साथ दीजिए घर पे बैठकर, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अगले आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी बाहर जाइए, नहीं अपना घर में रहिए। तो पीओपी लिक्विड हो गया तैयार, अभी देखते हैं इसमें डालेंगे। अभी इसको रात भर सूखने के लिए छोड़ देते हैं, तो कल निकाल के देखेंगे गुगु के हाथ और पैरों के निशान किस तरह के आते हैं। तो गाइज एक चीज़ का ध्यान रखिए, अपने हाथ अच्छे तरीके से धोइए, जब भी आप बाहर से आएँ अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोइए, हैंड वॉश यूज़ कीजिए। दिन में आप कम से कम 6-7 बार हाथ ज़रूर धोइए, जब भी आप बाहर से आएँ तब धोइए, अगर आप घर पे भी हैं चीज़ों को छू रहे हैं तब भी आप अपने हाथ ज़रूर धोइए, सैनिटाइज कीजिए अपने हाथों को, और हाथ मिलाने से अच्छा है आप उनको दूर से ही नमस्ते कीजिए। तो चलिए कल मिलते हैं जब गुगू के हाथों का इम्प्रिंट हम वापस निकालेंगे। तो चलिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग। ये दोनों प्रिंट हाथ और पैरों के सूख चुके हैं, अब इनको निकाल के देखते हैं किस तरह का प्रिंट आया है। तो चलिए, कैसे निकालूं, ये आटा चिपक गया है इस पे, तो इसको इससे नीचे से पहले थोड़ा सा निकाल के देखते हैं। हाथ गुगू का, ये देखिए हाथ छोटे छोटे दोनों गुगू के हाथ आ चुके हैं, अभी उसके पैरों का प्रिंट निकाल के देखते हैं। तो चलिए, ये देखिए गुगू के पैर का शेप एकदम बराबर आया है।
थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग टुडेज़ व्लॉग। अगर अच्छा लगा व्लॉग तो लाइक कमेंट कर शेयर करके ज़रूर बताइएगा। आप भी अपने बच्चों का हैंड प्रिंट और फुट प्रिंट बना सकते हो। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बाहर आना जाना कम कीजिए। हम सब मिलके कोरोना वायरस को ज़रूर हराएंगे। तो मेरे और गुगू की तरफ से बाय 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 गुगू चाचा।